दोस्तों, कुंडली भाग्य सीरियल के फेमस स्टार संजय गगनानी ने अपने सपनों की रानी पूनम प्रीत भाटिया के साथ 28 नवंबर 2021 को शादी कर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लिया है। जहां इनकी शादी से पहले इनके टीका तिलक सेरेमनी और प्री वेडिंग सेरेमनी की तस्वीर और वीडियोस ने सोशल मीडिया पर अपना धमाल मचा रखा था। वहीं बीते रविवार को दोनों ने शादी कर हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे को बना लिया है। जहां अब शादी होते ही संजय गगनानी ने अपनी पत्नी प्रीत को हनीमून पर ले जाने का फैसला किया है। जी हाँ, आप सभी सही सुन रहे हैं, आप सभी के फेवरेट अभिनेता संजय गगनानी अपनी पत्नी पूनम प्रीत को जल्द ही हनीमून पर ले जाने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, रिपोर्ट के मुताबिक संजय गगनानी ने खुलासा किया है कि वे पूनम को शादी के तोहफे के रूप में क्या देंगे। इसके अलावा संजय ने ये भी बताया है कि उन्होंने यूरोप में अपने हनीमून के दौरान चर्च में शादी की योजना बनाई है। उन्होंने कहा है कि मैं पूनम को हनीमून के लिए उनके सपनों की जगह पर ले जाऊंगा और कई तरह के सरप्राइज देकर उन्हें आश्चर्यचकित कर दूंगा। पूनम हमेशा से यूरोप और मालदीव में हनीमून मनाने का सपना देखती थी, इसलिए मैं उन्हें दोनों जगहों पर ले जाऊंगा। हमने अभी भी तय नहीं किया है कि पहले कहां जाना है, लेकिन ये बात तय है कि हम दोनों जगह पर जाएंगे। मालदीव ट्रिप सिर्फ हनीमून ट्रिप होगी, लेकिन जब हम यूरोप की यात्रा करेंगे तो ये सिर्फ हनीमून नहीं बल्कि चर्च वेडिंग हनीमून भी होगा। वेल दोस्तों, आपने संजय गगनानी की शादी की तस्वीर देख ली है, पर क्या आप संजय गगनानी और पूनम प्रीत के हनीमून डेस्टिनेशन के बारे में जानना चाहते हैं? अगर हाँ तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही संजय गगनानी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।